हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी मशीन है जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है, स्टोर करती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर की? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर: स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी, ऑटोमेशन, डिजिलेंस, डिलीजेंस। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है ये टेक्नोलॉजी के बेस पे दो तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी: एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर यूज इन इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्पस। साइंटिफिक और टेक्निकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ये कंप्यूटर इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स विच आर यूज फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं वो है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? जिसके अंदर दोनों की क्वालिटी होती है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज मेड बाय जॉइनिंग द गुड क्वालिटीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कंप्यूटर: टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, रिसर्च वर्क में, एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग में यूज़ होता है, और एग्जामिनेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स। अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग मैथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग मैथड एंड साइज। ये होते हैं चार तरह के: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, द कंप्यूटर विच हैव मेमोरी मोर देन 52 मेगाबाइट एंड विच कैन डू वर्क विद द कैपेसिटी ऑफ 500 MB फ्लॉप इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट। इसकी जो मेमोरी है 52 मेगाबाइट से ज़्यादा होती है, और इस ये जो कंप्यूटर है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और कंप्यूटर के कंपैरिजन में। दीज आर 1000 to 1,000,000 टाइम्स फास्टर देन द नॉर्मल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इंस्टेड ऑफ सुपर कंप्यूटर को छोड़कर ऑल लार्ज साइज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सभी को क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ स्टील फ्रेम्स। स्टील फ्रेम की बनी हुई होती हैं, नेटवर्किंग में काम आती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स ऑल टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग दो टाइप की दिखाई गई है: लोकल एरिया नेटवर्क LAN एंड वाइड एरिया नेटवर्किंग WAN। इन LAN टर्मिनल्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन प्लेस इवन इन अ रूम और अ बिल्डिंग। वैन में क्या है? दूसरी सिटीज, एक सिटी से दूसरी सिटी तक कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं वैन। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज 10 to 128 मेगाबाइट। जो इसकी मेमोरी है जो स्टोर कर सकता है, ये 10 to 128 मेगाबाइट तक कर सकता है। फिर है मिनी कंप्यूटर। 1959 डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ मिनी कंप्यूटर बाय PDP-1 प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेस 1 बाय यूजिंग IC इन इट्स इम्प्रूव मॉडल PDP। द साइज एंड द कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज बोथ डिक्रीज्ड। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने है नई प्रोडक्शन की थी मिनी कंप्यूटर की, जिसको PDP-1 कहा था। फिर बाद में जाकर इसको इम्प्रूव किया गया मॉडल को, और इसके कॉस्ट भी घटा दिए गए। ये जो कंप्यूटर है छोटे अलमीरा के बराबर है। दिस कंप्यूटर वर इक्वल टू द स्मॉल अलमीरा इन द साइज, सो वी वर कॉल्ड इट्स मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 4 MB to 10 MB तक हो सकती है, जो स्टोर करती है। इन दिस कंप्यूटर 16 to 32 bit वर्ड्स जो है इसमें यूज़ हो सकते हैं। दिस कंप्यूटर वर्क 5 to 50 lakh instructions इन अ सेकेंड। द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ दिस कंप्यूटर इज 40 lakh bytes per second, जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट्स मेमोरी कैन बी इंक्रीज्ड
इसकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ की गई है 30 मेगाबाइट तक। लास्ट है माइक्रो कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर एंड स्मॉलर इन साइज इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर इज नेम एड माइक्रो कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर सो स्मॉल इन साइज दैट इट कैन बी यूज ऑन एनी स्टडी टेबल, द कैपेसिटी ऑफ इट्स दीज कंप्यूटर इज इक्वल टू द 1 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। छोटा साइज होने के कारण इसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, और इसको हम अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। तो ये था हमारा कंप्यूटर के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।